हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर फर्स्ट ग्रेड के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए और इसके अलावा अगर आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो रीट पटवार तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल नोट्स प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी तो जल्दी से प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो जी हाँ दोस्तों ये आप देख सकते हो भास्कर की न्यूज है और दो दिन में जारी होंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र सीकर से न्यूज निकल के आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तीन से तेरह जनवरी 2020 तक आयोजित होनी तो है भर्ती परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा के लिए महज छह दिन का समय बाकी है लेकिन अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सचिव रेणु राजपाल का कहना है कि भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र एक से दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे गौरतलब है भर्ती परीक्षा तिथि को बढ़ाने के लिए करीब एक महीने तक परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था लेकिन सरकार ने तय तिथि के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और अब अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऐसे में आर सचिव ने प्रवेश पत्र जारी करने को लेकर स्थिति साफ कर दी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र है वो दो दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे परीक्षा आपकी तीन से तेरह जनवरी के बीच होने वाली है और अभ्यर्थी असमंजस में थे कि अभी तक प्रवेश पत्र जारी क्यों नहीं हुए तो वो अब जल्दी ही जारी होने वाला है और सचिव रेणु राजपाल ने ये बात कही है और काफी अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था लेकिन उसका कोई भी लाभ यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है परीक्षा आपके तय समय पर होने के पूरे आसार हैं धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद वंदे मातरम